हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट वीडियोस में हमने ऑयलर्स इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन हमने कवर कर लिया है, जिसमें बर्नौली इक्वेशन फॉर आइडियल फ्लूड्स एंड बर्नौली इक्वेशन फॉर रियल फ्लूड्स, ये दोनों टॉपिक कवर कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशंस। ओके, सो बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन में हम तीन चीज पढ़ेंगे। फर्स्ट इज वेंचुरी मैटर, ओके। सेकंड पढ़ेंगे ऑरिफिस एंड थर्ड पढ़ेंगे हम पिटॉट ट्यूब। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वेंचुरी मीटर एंड देन ऑरिफिस एंड पिटॉट ट्यूब हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। सो हम देखते हैं वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर जो है वो बेसिकली डिस्चार्ज यानी कि फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, हम लोग यहाँ पर फ्लो रेट और डिस्चार्ज को सेम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हम फ्लूड डील करने वाले हैं दैट विल बी इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। और मैं पहले ही बता चुका हूँ अगर फ्लूड इनकम्प्रेसिबल है सो इन दैट केस रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू से, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, इफ फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड रो वन विल बी इक्वल टू रो टू, सो ए वन वी वन विल बी इक्वल टू ए टू वी टू। ए वन वी वन को हम बोलते हैं डिस्चार्ज। सो जो वेंचुरी मीटर है वो फ्लो रेट या कह सकते हैं हम डिस्चार्ज मेजर करने के काम आता है। ठीक है, अब ये जो देखते हैं कि वेंचुरी मीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। सो वेंचुरी मीटर इज अ शॉर्ट पाइप कंसिस्टिंग ऑफ टू कोनिकल पार्ट्स विथ अ शॉर्ट पोर्शन ऑफ मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। तो चलिए इसे डिपिक्ट करते हैं कि दिखता कैसा है ये। सो एक पाइप में एक शॉर्ट पोर्शन होता है, ठीक, जिसमें एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग पोर्शन होता है। ठीक, सो दिस इज द रैपिड कन्वर्जिंग पोर्शन और सेकेंड पार्ट होता है इसका ग्रेजुअल इंक्रीजिंग और वी कैन से डाइवर्जिंग पोर्शन। ठीक है, अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो लॉस इन एनर्जी है वो मिनिमम हो। ओके, अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम लोग इसको रैपिडली कन्वर्ज करने के बाद अगर रैपिडली इसको हम डाइवर्ज करने की कोशिश करेंगे इस सेक्शंस को, तो इन दैट केस जो वेंचुरी मीटर होगा उसमें लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा। सो ऐसा इसलिए किया जाता है टू रिड्यूस दी लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, सो लेट अस से दिस इज सेक्शन नंबर वन एंड दिस इज सेक्शन नंबर टू। सो सेक्शन नंबर टू जो है दिस इज द सेक्शन ऑफ मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो चलिए इसको और डिटेल में देखते हैं अब। सो जैसा कि हमने देखा कि ये रैपिड कन्वर्जिंग पोर्शन एंड ग्रेजुअली डाइवर्जिंग पोर्शन इसलिए बनाया गया है ताकि जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो मिनिमम हो। सो स्टडी करते हैं हम फर्स्ट इन कन्वर्जिंग पोर्शन। ओके, जो वेलोसिटी है ये कन्वर्जिंग पोर्शन है। सो अगर यहां पर इसको यहां पर वेलोसिटी v1 है, सो जो वेलोसिटी है दैट इंक्रीजेस अलोंग द कन्वर्जिंग पोर्शन। ओके, वेलोसिटी इंक्रीजेस अलोंग द कन्वर्जिंग पोर्शन। अब ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लूड है वो दैट इज फॉलोइंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम देख सकते हैं, देखिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया एट वन है दैट इज ए वन एंड क्रॉस सेक्शन एरिया एट टू इज ए टू। डायग्राम से क्लियर है जो ए जो सेक्शन टू है दैट इज द थ्रोट एरिया, ए टू इज लेस देन ए वन। सो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन वी कैन राइट v2 will be equal to a1 by a2 into v1. Okay, so क्योंकि a1 बड़ा है a2 से, so definitely v2 बड़ा होगा v1 से। So इससे यह समझ आता है कि converging section के along जो velocity of fluid है that increases. Second, the pressure decreases along the converging section from Bernoulli's equation.
यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूं कि जो प्रेशर है वो अलोंग द कन्वर्जिंग सेक्शन रिड्यूस हो रहा है, यानी कि सेक्शन नंबर वन पे जो प्रेशर है दैट इज हायर देन दैट ऑफ द प्रेशर इन सेक्शन नंबर टू। अब ये कैसा है, तो ये हमको पता चलता है बर्नौली इक्वेशन से। तो बर्नौली इक्वेशन लगा करके इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन नंबर वन एंड सेक्शन नंबर टू पे मैं बर्नौली इक्वेशन लगा रहा हूं। बर्नौली इक्वेशन लगाने से पहले एक छोटा सा assumption करते हैं कि ये जो पाइप मैंने लिया है, ये जो मैंने वेंट्रीमीटर लिया है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। सो फॉर अ हॉरिजॉन्टल horizontal venturimeter, Z1 will be equal to Z2। तो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ बर्नौली इक्वेशन में Z1 और Z2 का टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और जो यहां पर मैंने अभी फिलहाल के जो फ्लूड लिया दैट इज अ आइडियल फ्लूड, सो देर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, सो फॉर आइडियल फ्लूड HL हेड लॉस विल बी इक्वल टू जीरो। अब लिखता हूं मैं बर्नौली इक्वेशन, सो जाएगा P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। ये होगा। नाउ प्रेशर के टर्म्स को और वेलोसिटी टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं। सो P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। अब हम देख चुके हैं कि जो V2 है दैट इज ग्रेटर देन V1, सो एज V2 इज ग्रेटर देन V1 तो जो V2 स्क्वायर बाई 2G वाला टर्म है दैट विल बी ग्रेटर देन V1 स्क्वायर बाई 2G, यानी कि जो राइट हैंड साइड है ये जो RHS है, RHS जो है इसका दैट विल बी ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव टर्म आएगा। इफ RHS इज ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब ये है P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी इज ग्रेटर देन 0, और ऐसा तभी हो सकता है व्हेन P1 बाई रो जी इज ग्रेटर देन P2 बाई रो जी। तो रोजी रोजी कैंसिल, यहां से प्रूफ हो रहा है दैट P1 इज ग्रेटर देन P2। सो यहां पर प्रूफ होता है कि वेंचुरी मीटर में कन्वर्जिंग सेक्शन के अलाउंग जो प्रेशर है वो रिड्यूस होता है। तो चलिए अब हम वो एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं जिसके हेल्प से हम किसी वेंचुरी मीटर के थ्रू जो डिस्चार्ज होगा वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो बेसिकली हम लोग जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है वो हम लोग डिराइव करने वाले हैं। सो उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो वेंचुरीमीटर का कन्वर्जिंग सेक्शन का स्टार्टिंग है दैट इज सेक्शन नंबर वन एंड जो थ्रोट है उसके बीच हम एक मैनोमीटर फिट करेंगे। अब इस सिचुएशन को समझना है कि मैनोमीटर फिट करने से किस तरह के हमको टर्म्स सामने आएंगे। ओके, सो हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज कर सकते हैं कि जो सेक्शन नंबर वन है और सेक्शन नंबर टू है उस पे हम पीजोमीटर लगा दें। पीजोमीटर जो हेड बताता है दैट इज पीजोमेट्रिक हेड, और पीजोमेट्रिक हेड कभी भी रिफरेंस लाइन से लिया जाता है, जो डॉटम होता है मीन सी लेवल होता है उससे लिया जाता है। सो उस सिचुएशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने पीजोमीटर यूज ना करके यहां पर YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज किया है जिसमें हमारे कैलकुलेशन जो होंगे वो आसान होंगे। और हम ये भी जानते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है जब मैंने मैनोमीट्री कवर कराया था, कि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है उसमें हम हायर प्रेशर डिफरेंस आराम से नाप सकते हैं, क्योंकि अगर हायर प्रेशर डिफरेंस होगा तो जो कॉलम मिलता है हमको मैनोमेट्रिक कॉलम वो ज्यादा मिलेगा। और इन केस ऑफ पीजोमीटर ज्यादा लंबा ट्यूब हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हम यहां पर एक डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं सिचुएशन क्या है। तो यहां पर मैंने एक वेंचुरीमीटर लिया हुआ है, वेंचुरीमीटर का कन्वर्जिंग सेक्शन जहां से स्टार्ट हो रहा है दैट इज सेक्शन नंबर वन एंड सेक्शन नंबर टू इज द थ्रोट। सेक्शन नंबर वन और सेक्शन नंबर टू के बीच में मैंने एक यूट्यूब मैनोमीटर फिट किया है। ओके, सो दिस इज अ यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है, मैनोमेट्रिक फ्लूड की जो डेंसिटी है दैट इज रो एम। ओके, रो एम इज डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड। ओके, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूड इन पाइप। ओके, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूड इन पाइप, या कह सकते हैं वर्किंग फ्लूड, और डेंसिटी ऑफ वर्किंग फ्लूड बोल सकते हैं। ठीक, जो सेक्शन नंबर वन है उस पे प्रेशर P1 है, सेक्शन नंबर टू पे प्रेशर P2 है। सेक्शन नंबर वन पे जो फ्लूड की वेलोसिटी है दैट इज V1, सेक्शन नंबर टू पे जो फ्लूड की वेलोसिटी है दैट इज V2। जो सेक्शन नंबर वन है उसका डेटम से रिफरेंस से जो उसका एल्टीट्यूड है दैट इज Z1, और जो सेक्शन नंबर टू है उसका एल्टीट्यूड डेटम से Z2 है। अब जो लोअर लिंब है मैनोमीटर का
उसको हम डिफरेंस एक्सिस लेते हैं कभी भी मैनोमीटर के लिए, तो ये होगा डिफरेंस प्लेन, है ना, फॉर द मैनोमीटर। तो जो डिफरेंस प्लेन है मैनोमीटर का, इसका डेटम से जो हाइट है दैट इज एच नॉट। सो ये पूरा एजम्पशन है। साथ ही साथ जो प्रेशर डिफरेंस है सेक्शन नंबर वन पे और सेक्शन नंबर टू पे, इसके कारण हमको मैनोमेट्रिक कॉलम मिल रहा है डेल एच। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन। अब चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सो अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन, सेक्शन नंबर वन पे प्रेशर है पी वन बाय रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड वन इज इक्वल टू पी टू बाई रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड टू। ओके, इसको ट्रांसफर करते सारे टर्म्स को रीअरेंज करते हैं तो लिख सकते हैं वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर बाई टू जी इज इक्वल टू हो गया आपका पी टू बाई रो जी माइनस पी वन बाई रो जी प्लस जेड टू माइनस जेड वन। ओके, यहां से लिख सकते हैं इसको v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाय 2g, सो दिस बिकम्स p2 बाय रो g प्लस z2 माइनस p1 बाय रो g प्लस z1। इसको उल्टा कर देते हैं तो ये लिख सकते हैं हम इसको v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू p1 बाय रो g प्लस z1 माइनस P2 by rho g plus Z2। ओके, अब हम जानते हैं जो Z1 है that is the potential head and P1 by rho g that is pressure head और work required to maintain the flow, इसको flow energy बोलते हैं। इन दोनों का sum that is P1 by rho g plus Z1 या फिर P by rho g plus Z1 जो होता है Bernoulli equation में that is called piezometric head, piezometric head। ओके, पीजोमेट्रिक हेड को हम रिप्रेजेंट करेंगे एच स्टार से। सो लिख सकता हूं मैं वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाय टू जी इज इक्वल टू एच वन स्टार दैट इज पीजोमेट्रिक हेड एट सेक्शन नंबर वन माइनस पीजोमेट्रिक हेड एट सेक्शन नंबर टू। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब मुझे डिफरेंस इन पीजोमेट्रिक हेड दैट इज एच वन स्टार माइनस एच टू स्टार की वैल्यू चाहिए। ओके, सो पीजोमेट्रिक हेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इस डिफरेंशियल मैनोमीटर से। तो जब हम डिफरेंशियल मैनोमीटर के लिए मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे वहां से हमको एच वन स्टार माइनस एच टू स्टार की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो राइटिंग द मैनोमेट्रिक इक्वेशन, सो पी वन और पी टू पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू पे लगने वाले प्रेशर है। सो अब इनके बीच में मैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखता हूं। मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखने के लिए मुझे रिफरेंस प्लेन चाहिए, तो ये हमारा रिफरेंस प्लेन है एक्स एक्स। हम जानते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर में जो लोअर लिंब होता है ना, जो लोअर लिंब होता है उसको हम रिफरेंस प्लेन सेट करते हैं। तो ये हमने एक्स एक्स रिफरेंस प्लेन ले लिया जो कि लोअर लिंब से पास होता है। दूसरा, इस लेवल का जो डॉटम से एल्टीट्यूड है दैट इज एच नॉट। तो अब मैं इस एक्स एक्स प्लेन पे मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखता हूं तो ये हो जाएगा प्रेशर इन द लेफ्ट साइड ऑफ लिम्ब विल बी इक्वल टू प्रेशर इन द राइट साइड ऑफ द लिम्ब। ओके, अबाउट द रेफरेंस प्लेन, सो पी वन प्लस दिस हाइट दैट इज रो जी इनटू जेड वन माइनस एच नॉट विल बी इक्वल टू पी टू प्लस रो जी जेड टू माइनस एच नॉट माइनस डेल एच प्लस रो एम इंटू जी इंटू डेल एच। ओके, सो दिस इज दी मैनोमेट्रिक इक्वेशन। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा आपको पी वन प्लस रो जी जेड वन माइनस रो जी एच नॉट इज इक्वल टू पी टू प्लस रो जी जेड टू माइनस रो जी एच नॉट माइनस रो जी डेल एच प्लस रो एम इंटू जी इंटू डेल एच। ओके, सो पूरे इक्वेशन को मैं रो जी से डिवाइड कर देता हूं तो जाएगा पी वन बाई रो जी प्लस जेड वन माइनस एच नॉट इज इक्वल टू पी टू बाई रो जी प्लस जेड टू माइनस एच नॉट माइनस डेल एच बाई माइनस डेल एच प्लस
रो एम बाई रो इंटू डेल एच। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में एच नॉट है, दोनों एच नॉट कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए राइट हैंड साइड में मिल रहा है आपको P1, लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है P1 by rho g plus z1, this is the piezometric head at section number 1, so that is H1 star, okay, is equal to P2 by rho g plus z2, that is H2 star, okay, now यहां से लिख सकता हूं मैं plus del H into rho m by rho minus 1, so ट्रांसफर करने मिलता है H1 स्टार माइनस H2 स्टार इज इक्वल टू डेल H इनटू रो M बाय रो माइनस 1। सो यहां से हमको जो पीजोमेट्रिक हेड्स है उनका डिफरेंस मिल गया। ओके सो इफ Z1 इक्वल टू Z2 यानी कि जो जो वेंचुरीमीटर जो है अगर वो हॉरिजॉन्टल है, इफ वेंचुरीमीटर इज हॉरिजॉन्टल is horizontal, so in that case H1 star को हम लिखेंगे H1 and H2 star को लिखेंगे H2, जिसको बोलते हैं static pressure head, okay, this is static pressure head, so H1 minus H2 will be del H into rho m by rho minus 1, okay, so this is the difference in head for the वेंचुरीमीटर, ओके, और जो डेल एच है, डेल एच इज द रीडिंग ऑफ द मैनोमीटर। सिमिलरली अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो यूट्यूब है दैट विल बी आर इन्वर्टेड यूट्यूब, अगर इन्वर्टेड यूट्यूब हम यूज करेंगे तो उस केस में रो एम यानी कि मैनोमेट्रिक फ्लूड की डेंसिटी अगर कम है, जो फ्लूड इन पाइप है उसकी डेंसिटी, दैट इज रो एम इज लेस देन रो, सो उस केस में हम एच वन माइनस एच टू स्टार बोलू या फिर एच वन माइनस एच टू हो, उसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल एच इंटू वन माइनस रो एम बाई रो, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पीजोमेट्रिक हेड और वी कैन से द स्टैटिक हेड। नाउ हम जानते हैं इक्वेशन वन से दैट वी टू स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर बाई टू जी इक्वल टू एच वन स्टार माइनस एच टू स्टार। अब एच वन स्टार माइनस एच टू स्टार की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज डेल एच इंटू रो एम बाई रो माइनस वन, इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, सो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू जी विल बी इक्वल टू डेल एच इंटू रो एम बाई रो माइनस वन। नाउ हम जानते हैं फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू होगा। ओके सो वी वन लिख सकते हैं हम ए टू बाई ए वन इंटू वी टू, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी टू, इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन पुट कर देते हैं, सो आएगा हमारे पास वी टू स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर इंटू ए टू बाई ए वन होल स्क्वायर अपॉन टू जी इज इक्वल टू डेल एच इंटू रो एम बाई रो माइनस वन। ओके यहां से मैं वी टू स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं, वी टू स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस ए टू बाई ए वन होल स्क्वायर बाई टू जी इज इक्वल टू डेल एच रो एम बाई रो माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वी टू स्क्वायर आ जाएगा टू जी इंटू डेल एच इंटू रो एम बाई रो माइनस वन अपॉन वन माइनस ए टू बाई ए वन होल स्क्वायर। ओके सो यहां से वी टू लिख सकता हूं मैं, वी टू विल बी इक्वल टू वन अपॉन रूट ओवर ऑफ वन माइनस ए टू बाई ए वन होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ टू जी डेल एच रो एम बाई रो माइनस वन, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट थ्रोट सेक्शन, दिस इज वेलोसिटी एट थ्रोट, वेलोसिटी एट थ्रोट। ठीक है नाउ फ्रॉम अब हमको क्या करना है, वेंचुरीमीटर के थ्रू डिस्चार्ज नापना है। ओके सो फॉर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज दैट इज क्यू, डिस्चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट होता है इसका मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके पर मिनट भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम टाइम की यूनिट क्या लेना चाह रहे हैं। सो क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी, हमारे पास जो वेलोसिटी है दैट इज एट सेक्शन टू, तो एरिया भी सेक्शन टू का होगा, दैट इज ए टू वी टू, सो डिस्चार्ज। अब ये डायरेक्टली फॉर्मूले से निकल रहा है तो हम इसको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज बनेंगे, क्यू टी दैट इज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ओके सो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज यहां से हो जाएगा आपका वी टू में ए टू का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जाएगा ए टू अपॉन रूट ओवर वन माइनस ए टू बाई ए वन होल स्क्वायर इंटू रूट ओवर टू जी डेल एच
रो एम बाई रो माइनस वन। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं क्यू टी इक्वल टू ए वन ए टू अपॉन रूट ओवर ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर इंटू रूट ओवर टू जी इंटू डेल एच इंटू रो एम बाई रो माइनस वन। सो दिस इज दी थ्योरिटिकल डिस्चार्ज। तो थ्योरिटिकल डिस्चार्ज जो होता है उससे कुछ कम डिस्चार्ज हमको एक्चुअल प्रैक्टिस में मिलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं इसमें सडन कॉन्ट्रेक्शन एंड इनलार्जमेंट के चलते, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो जो एक्चुअल डिस्चार्ज होता है क्यू एक्चुअल इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरिटिकल डिस्चार्ज। तो एक टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहां पर, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी। सी डी दैट इज कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरिटिकल डिस्चार्ज। इस फॉर्मूले से हम अब एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड आउट करेंगे। सो जो एक्चुअल डिस्चार्ज आएगा that is Q actual will be equal to CD into A1 A2 upon root over A1 square minus A2 square into root over 2G del H rho M by rho minus 1, ठीक है। So ये discharge का formula है अगर manometric fluid की density of fluid in pipe के कंपेयर में ज्यादा है, मतलब मैनोमेट्रिक फ्लूड इज हैवियर देन द फ्लूड इन पाइप, उस केस में ये फॉर्मूला होगा। बट इफ रो एम दैट इज मैनोमेट्रिक फ्लूड इज लाइटर देन दैट ऑफ फ्लूड इन पाइप, इन दैट केस क्यू एक्चुअल का फॉर्मूला बन जाएगा सी डी इंटू ए वन ए टू बाई रूट ओवर ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर इंटू रूट ओवर टू जी डेल एच वन माइनस रो एम बाई रो। सो दिस इज द एक्चुअल डिस्चार्ज फॉर द पाइप व्हेन मैनोमेट्रिक फ्लूड density is less than the density of fluid in pipe. So हमने वेंचुरीमीटर को स्टडी किया। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ एक्स्ट्रा इसमें हम ऐड करते हैं जो कि कभी कभी एग्जाम्स में हमको काम आ सकता है। जैसे कि मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था डिफरेंस इन स्टैटिक हेड और डिफरेंस इन पीजोमेट्रिक हेड, दैट इज एच वन स्टार माइनस एच टू स्टार और एच वन माइनस एच टू, इसका फॉर्मूला हमने देखा डेल एच दैट इज द मैनोमेट्रिक रीडिंग इन टू रो एम बाई रो माइनस वन। ये केस है व्हेन रो एम इज ग्रेटर देन रो। ओके, सो अगर आपको डेंसिटी ना देकर के क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगा, सो उस केस में भी फॉर्मूला बहुत आसान है। इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लिख सकते हैं एच वन माइनस एच टू और एच वन स्टार माइनस एच टू स्टार इज इक्वल टू डेल एच इन टू एस जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूड इन पाइप। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूड इन पाइप। सिमिलरली इफ एस जी एम दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड इज लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूड इन पाइप, सो हम लिखेंगे एच वन माइनस एस टू और एच वन स्टार माइनस एच टू स्टार इज इक्वल टू डेल एच इंटू वन माइनस एस जी एम अपॉन एस जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूड। तो ये फॉर्मूला आपका बनता है। दूसरा, हमने जो स्ट्रक्चर देखा वेंचुरी मीटर का, उसमें हमने देखा कि पाइप में एक कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, रैपिड कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, एंड देन ग्रेजुअली डाइवर्जिंग सेक्शन होता है, ठीक है। सो यहां पर जो कन्वर्जिंग सेक्शन होता है इसका जो एंगल है, ठीक है, दिस एंगल, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं सेमी एंगल, ये वाला, सो दिस एंगल ऑफ कन्वर्जिंग सेक्शन ये होता है 18 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होता है, ओके, एंड एंगल ऑफ डाइवर्जिंग सेक्शन, इसको सेमी कोन एंगल भी बोल सकते हैं, सेमी कोन एंगल, ओके, क्योंकि एक्चुअली कोनिकल शेप ही आपको मिल रहा है, तो सेमी कोन एंगल बोल सकते हैं, सेमी कोन एंगल ऑफ डाइवर्जिंग सेक्शन ये 6 से 7 डिग्री के बीच में होता है। लेकिन ये जो डिग्री है, जो एंगल है, वो 7 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो सेमी कोन एंगल ऑफ डाइवर्जिंग सेक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू 7 डिग्री, क्योंकि अगर 7 डिग्री से ज्यादा करेंगे तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्ज हो जाएगा और उससे ये होगा कि फ्लो सेपरेट होने लग जाएगा। फ्लो का सेपरेशन क्या होता है ये हम और आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ फ्लो में बेसिकली ऐसा होता है कि जो फ्लूड पार्टिकल्स इसके साथ
चिपक रहे हैं सर्फेस स्लैब, दैट इज नो स्लिप कंडीशन दे रहे हैं, वो नो स्लिप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, जो फ्लूड है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस के कारण या एडी फॉर्मेशन के कारण इस सर्फेस को छोड़ देगा और टर्बुलेंस क्रिएट करेगा. ओके, तो जो फ्लूड इस सर्फेस के साथ स्टिक होकर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वो इस सर्फेस को छोड़ देगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन. जब हम बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि बाउंड्री लेयर किस तरह से सेपरेट होती है, क्या क्या उसके कारण होते हैं. सो अगर ये सेपरेशन होता है, सो इन दैट केस ये होगा कि जो लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, जो लॉसेस हो रहे हैं इसमें वो बढ़ जाएंगे. और हमने डाइवर्जिंग से कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग सेक्शन इस तरह से डिजाइन किया है कि एनर्जी का जो लॉस है वो मिनिमम हो. ओके, सो टू अवॉइड द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू सेपरेशन, जो कन्वर्जिंग जो डाइवर्जिंग सेक्शन का एंगल है दैट शुड बी लेस देन 7 डिग्री. सो आज हमने वेंचुरीमीटर का टॉपिक कवर किया है. नेक्स्ट वीडियोस में हम ऑरिफिस और पिटॉट ट्यूब भी कवर कर लेंगे. साथ ही साथ जब ये टॉपिक्स हो जाएंगे तो हम इन पे बेस कुछ गेट्स और आईएएस में आए हुए न्यूमेरिकल्स और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी देखेंगे. आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आई होंगी. वेंचुरीमीटर का एप्लीकेशन और जो उसका डेरिवेशन है फॉर्मूले का और जो उसके जो की पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे. अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं. अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन के सिंबल को जरूर दबाइए. मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू.